वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। मेरा नाम है विकास। तो दोस्तों ये रहा वो बॉक्स फ्लिपकार्ट का जिसमें लेकर आया हूँ एक न्यू वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन और इसका मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग। तो फटाफट शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। सबसे पहले तो मुझे फाड़ना पड़ेगा, आप बॉक्स देख ही नहीं पाओगे कि अंदर क्या है। तो ये निकल गया फ्लिपकार्ट का बॉक्स और इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये ओपनली एकदम ईजिली हो जाता है। तो यहाँ पर इसे रखता हूँ साइड में और इस नाइफ को भी। सो गाइज ये है साउंड लॉजिक का ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी वाला ईयरफोन और इसे सपोर्ट करता है वॉइस असिस्टेंट। जिस यहाँ पे और एक चीज़ लिखा हुआ है बॉक्स के ऊपर जो कि है वायरलेस नेकबैंड हैंडसेट। इस तरीके का ये है ब्लूटूथ ईयरफोन और ये दो है उसके ईयरबड्स। यहाँ पे नीचे साइड में आप देख सकते हो कि ये 8 आवर्स का म्यूजिक टाइम दे सकता है और साथ में ये ऑप्टिमाइज्ड है सीरी जो कि आईफोन के लिए यूज़ हो सकता है और गूगल असिस्टेंट जो कि गूगल के एंड्रॉयड फ़ोन के लिए यूज़ हो सकता है। सेकेंड बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ओपन का लोगो है, तो इसे जस्ट हम लोग यहाँ से ओपन करते हैं। तो ये रहा आपका ब्लूटूथ का ईयरफोन जो कि एक बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के कैटलॉग में दिया हुआ है जिसे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी देखने के लिए। एनीवेज फटाफट क्या करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर कंटेंट्स क्या आते हैं। सेम चीज़ सब चीज़ बैक साइड में भी लिखा हुआ है और इसके फीचर्स के बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है। तो ऊपर से अभी फटाफट ओपन करते हैं और इस तो ये ओपन हो गया है और सबसे पहले निकालेंगे हम लोग इसमें से ये ब्लूटूथ ईयरफोन और बॉक्स के अंदर आप कंटेंट देख सकते हो कुछ भी नहीं है। तो इसे भी रखते हैं साइड में और पहले बात करते हैं इस ब्लूटूथ ईयरफोन की। तो इसे बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली प्लास्टिक में दिया हुआ है, सो इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं कि बॉक्स कंटेंट में क्या है। यहाँ पर दिया है चार्जिंग के लिए USB टू माइक्रो USB का कॉर्ड और यहाँ पर कुछ ईयरबड्स भी दिए हुए इसके साथ में, सो ये भी रखते हैं साइड में। बात करें है इसका इंस्ट्रक्शंस मैनुअल गाइडलाइंस की ये कैसे आप यूज़ कर सकते हो और इसी के साथ ये वारंटी पेपर भी है और बाकी इसके सब स्टफ्स है। एनीवेज ये सब भी रखते हैं हम लोग साइड में और फिलहाल बात करते हैं इस ब्लूटूथ ईयरफोन के डिवाइस की। तो ऊपर से लेके पूरे ये पूरे कर्व टाइप में सी टाइप में, तो यहाँ पे हम लोग कुछ दिख नहीं सकता है आप लोग को क्लियरली। यहाँ पे एक इसका टैग दिया हुआ है साउंड लॉजिक का और इसके राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है ऑन ऑफ का बटन, यहाँ पे मिलता है प्लस माइनस का बटन और इसी के लेफ्ट साइड में आपको मिलता है साउंड लॉजिक का ब्रांडिंग और नीचे की तरफ वॉइस असिस्टेंट। अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है ये। वज़न नहीं है इसका, बहुत हल्का वज़न है। अब बात करते हैं इसके ईयरबड्स की, तो वायर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बड़े हैं। और बात करें इसके जो ईयरबड्स की तो बहुत ही अच्छे से दिख रहा है ये। इसका जो शेप है दिस इज़ लेफ्ट वन और दिस इज़ राइट वन, सो बहुत ही अच्छा है। और इसमें मैग्नेटिक वाले आपको ईयरबड्स मिल जाते हैं और दूसरी बात जो इसको इसके अंदर आपको जो फील मिलेगी बहुत ही अच्छी मिलेगी क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वालिटी का दिख रहा है। एनीवेज फटक से इसको क्या करते हैं, अभी पैर करते हैं अपने मोबाइल स्मार्टफोन से जो कि है मेरे पास MI A2 और इसे पैर करके हम लोग फटाफट देखते हैं कि इसकी जो यूसेज है जो इसकी क्वालिटी है वो कैसे आ रही है। सो लेट्स स्टार्ट दिस डिवाइस और इसे पैर करते पहले तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा इसे दबा के रखने से। और आप देख सकते हो इसमें ब्लू लाइट आ चुकी है, मतलब ये डिवाइस ऑन हो चुका है और इसमें बैटरी लाइफ है। इसी चीज़ को थोड़ी देर दबा के रखेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो आपके SL करके हेडफोन आ चुका है। तो इसे क्लिक करेंगे और इसे पैर कर देंगे। ये ऑप्शन पूछ रहा है पैर करना है कि नहीं, येस वी हैव टू पैर दिस डिवाइस और ये हो चुका है पैर, नो डाउट। इसमें 80% आपको बैटरी भी मिली, आप देख सकते हो इसमें। सो गाइस एक बार अगर ये पैर हो जाएगा ना तो आपको करना क्या है, आपको सीधा जाना है यूट्यूब में और यूट्यूब में जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ में ना आपको बेल आइकन भी दबाना है कि ताकि आपको जो भी मैं वीडियोज़ डालते रहूँ ना तो वो सारे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एनीवेज अब और प्ले करते हैं अब इसमें कुछ सॉन्ग्स और सुनाता हूँ मैं आपको बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटीज़ का। तो ये लगा दे मैंने सॉन्ग, वॉल्यूम कितना तो देखते हैं, इसमें वॉल्यूम फुल है मेरे में फ़िलहाल। और अब बात करते हैं इसके डिवाइस के अंदर, तो मुझे तो बाहर अभी साउंड आने लगा है, आई डोंट थिंक सो कि आपको आता रहेगा। फिलहाल मैं वॉल्यूम ऊपर करता हूँ, वॉल्यूम फुल हो चुका है और मेरे को तो साउंड आ रहा है। अगर आपको आता रहेगा कि आई डोंट नो, दोस्तों आप लोग ने जैसा कि सुन रहे हैं यहाँ पे मैंने कैच का और माइक कैमरे के ऊपर लगा हुआ है, फिर भी अगर आपको साउंड आ रहा है तो डैट मीन्स कि साउंड क्वालिटी बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही बेस्ट है। सो ये एक हिसाब से आपको यूज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा हेडफोन है। और इसकी जो प्राइस की बात करें तो ये आपको प्राइस में मिलेगा 1500 के प्राइस में जो कि फ्लिपकार्ट सेल होता है ये।
और इसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रही बात दूसरी, मार्केट में तो आपको 250 का भी 700 का भी बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, बट मेरा कहना ये है कि अगर क्वालिटी प्रोडक्ट्स लो तो ज़्यादा टाइम तक टिकेंगे और बहुत अच्छे से यूज़फुल कर पाओगे, जहाँ पे आपको साउंड क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया आएगा। अगर आपको साउंड क्वालिटी नहीं चाहिए, आपको बस जस्ट फॉर फन चाहिए कॉल अटेंड एंड ऑल, तो आप ले सकते हो 250 रुपीज़ वाला भी, क्योंकि उसके अंदर तो बैटरी लाइफ आपको कुछ मिलेगी नहीं, इसमें एटलीस्ट 8 आवर्स का बैटरी लाइफ मिलेगा आपको, और जिससे आप बहुत यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, आप लोगों ने देख लिया कि ये जो साउंड लॉजिक का ब्लूटूथ ईयरफोन है उसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है, और इसके बॉक्स में क्या क्या आता है। और साथ ही में इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आप न्यू हो इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।